बाजोड़ धमाका इतना शदीद था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। यानी शाहिद की बोल न्यूज़ से बातचीत कहा, धमाका होते ही सब लोग परेशानी में पंडाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें अभी तक जो थोड़ी देर पहले तक मेरे पास इत्तला वहां से आई लोकल से, तो उसके मुताबिक कह रहे हैं कि 75 से ज्यादा लोग जो है वो उनकी जाने गई हैं, वो मर चुके हैं उसमें, और शायद 100 एंड मोर देन 150 लोग जो है वो इंजर्ड है, और उसकी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आपने कोई यहाँ पे और जंगें इंटरनली शुरू कर दी हैं, इदारों को कहीं और इन्वॉल्व किया है, तो ये मुल्क के साथ जुल्म है, इदारों के साथ जुल्म है। सुखा तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में सब लोग वहाँ पंडाल में जो मौजूद थे वो ज़मीन पर गिर कर, वो सारा खित्ता जो है, आप उसे दहशतगर्दी कहें, इंसर्जेंसी कहें, जंग कहें, उसकी लपेट में है। कि एक धमाका हुआ है बाजोड़ के अंदर, पहली बार नहीं हो रहा। इसका तो एक पार्ट इसका ये है कि ये एक कॉन्टिन्यूटी है, तो ये रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान की, इन पे अटैक पास में भी होते रहे। अच्छा, उसको ये 14-14 साल की बच्चियों को घरों में रख के जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, इसके बारे में किसने कानून बनाना है? IMF वाले बड़े रिश्तेदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के और डेमोक्रेसी के। और ये एक कोई वाकया नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक जंग है जो हम पे मुसल्लत की जा रही है। हमारे इदारे और आवाम मिलके इसका सामना करना पड़े। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है यार कि आतंकवादी स्थान, आतंकवादियों का गढ़ किस देश को कहा जाता है। ठीक है, GK का क्वेश्चन भी बन जाए तो यार कुछ कम नहीं होगा। आतंकवादियों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब घर में सांप पालोगे तो जरूरी थोड़ी है कि सांप दूसरों को ही डसेगा, खुद को भी डस सकता है। तो वही सीन हुआ यार कि आतंकवादियों ने बहुत आत्मघाती हमला किया और मोर देन 200 पीपल शायद बता रहे हैं, और ऑफिशियली कुछ कम ही है, बट मोर देन 200 पीपल को आतंकवादियों ने ब्लास्ट में उड़ा दिया। यार कैन यू इमेजिन कि यार इतनी गंदी तरीके से किसी के जान को आतंकवादियों द्वारा उड़ा दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फलाना है और ये। ठीक है, मतलब यही इज्जत रह गई है पाकिस्तानी सैनिकों की। दोस्तों आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि 72,000 पाकिस्तानी सैनिकों को इंडिया के सैनिक ने झुका दिया था, आप लोगों को याद होगा वो बहुत। ठीक है, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, मतलब यार घुटनों पे आ गए थे, माफ़ी मांग रहे थे, ऐसा सीन हो गया था। तो फिर वही है इनके अंदर, ठीक है, आतंकवादियों ने घुस के इनके घर में 200 पीपल्स को उड़ा दिया। यार मजाक नहीं होता, कम नहीं होता है। ठीक है, कोई ट्रेन हादसा हो, कोई प्लेन हादसा हो, उसमें लोग मरे तो यार। कि ये जो इन के सियासी जलसे पे धमाका होना, क्योंकि ये भी बात आती है कि बहुत सारे लोग इन्हीं के मदरसों के पढ़े हुए हैं या इनके और जो दोस्त हैं उनके मदरसों से पढ़े हुए हैं, तो आज इनके ऊपर क्यों अटैक हो रहा है? पहला मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन तो आपसे ये है, बाकी फिर इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, नया है, बहुत सारी कीमती जानें इसमें ज़ाया हो गई, तो अल्लाह उनको सब्र दे और उनकी अगली मंजिल को आसान करे। अब ये JUIF के साथ क्यों हुआ है, उससे पहले ये सवाल का जवाब लेना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या ये पहली बार हो रहा है। तो उसका जवाब होगा कि नहीं, पहली बार नहीं हो रहा। जब TTP बनी थी और अपनी पीक पे थी, तो उस वक्त भी JUIF के कुछ अहदेदारान थे, जैसे मौलाना नूर सादिक थे, उनको TTP ने मार दिया था। काजी हुसैन अहमद साहब जो है वो फाटा की तरफ गए थे, तो अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो मोहम्मद के अंदर एक 13 साल लड़की थी TTP की, फीमेल सुसाइड बम्बर, उसने काजी हुसैन अहमद साहब को निशाना बनाने की कोशिश की। काजी साहब उस सरवाइव कर गए थे वो अटैक। फिर अभी रिसेंटली हमने बलूचिस्तान में देखा कि सिराजुल हक साहब के ऊपर अटैक आया था, वो अटैक भी किसी ने क्लेम नहीं किया। इसी तरीके से आपको याद हो, अगर चीमा साहब, चंद साल पहले जब मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना लेके इस्लामाबाद आए थे इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो उससे पहले वो KP और बलूचिस्तान में अपनी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान की एक पॉलिटिकल रैली के ऊपर भी अटैक हुई थी, वो उसको अगेन मौलाना सर्वाइव कर गए थे। तो एक तो ये नोशन जो कि ये अब क्यों हो रहा है या ये इसका क्या मतलब है, तो पहला तो जो मैं पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये पहले की जो TTP रीज़न देती थी वो ये देती थी कि ये लोग जो हैं ये सियासी अमल का हिस्सा हैं, एक ऐसा सियासी निज़ाम
जो जिसका ये सियासी जमातें हिस्सा थीं और वो इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था, तो ये उस ऑपरेशन की मुखालफत और पीस टॉक्स की या अमन के मुआहदों की हिमायत नहीं करते थे, तो उसकी रिटेलिएशन में ये उन पर TTP अटैक कर रही थी जो उस टाइम की थी। अच्छा, अब इसका जो दूसरा आस्पेक्ट है चीमा साहब, वो ये है कि ये जो दो ग्रुप है, एक देवबंदी मिलिटेंट ग्रुप को अगर आप अफगान तालिबान और TTP के तौर पे देखें, और फिर सलफी जादी ग्रुप जो है उनको अगर आप दाइश खुरासान या ISKP के तौर पे देखें, तो इनकी आपस में एक चंद साल से एक लड़ाई चल रही है, और अगेन वो लड़ाई नई नहीं है, चंद साल पुरानी है। उसके अंदर पहले भी कई अटैक हो चुके हैं। पेशावर की सुनहरी मस्जिद पे शेख रहीमुल्ला हकानी एक देवबंदी स्कॉलर है जो बड़ा स्टांच एंटी ISKP पोजीशन रखते हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया, ही सर्वाइव दैट अटैक, बट देन आफ्टर द तालिबान टेक ओवर ही मूव अक्रॉस द बॉर्डर टू इनटू अफगानिस्तान और फिर दाइश ने उनको वहाँ पे मारा। इसी तरीके से जो शेख हैबतुल्ला है तालिबान का सुप्रीम लीडर, उनका मदरसा जो क्वेटा में था, उनका उस पर अटैक की दाइश ने, जिसमें आई थिंक हिज एल्डर ब्रदर यू नो लॉस्ट हिज लाइफ इन दैट अटैक। और इसी तरह कुछ और तालिबान के कमांडर्स को भी दाइश ने यहाँ पाकिस्तान में मारा है। तो ये मिलिटेंट जो बंदी ग्रुप और मिलिटेंट सलफी ग्रुपों की लड़ाई थी, जो अब एक्सपेंड कर रही है इनटू रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, और जिसमें JUIF इज नाउ एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। अच्छा, इसकी कुछ रीजनल डायमेंशन है, कुछ इसकी बहुत ही लोकल डायमेंशन है जिसके ऊपर फिर हम बात कर सकते हैं। तो JUIF पे अटैक चीमा साहब इसलिए आ रहा है कि एक तो ये प्रो तालिबान है, और इन द पास्ट JUIF एज अ देवबंदी मकतब है फिक्र, एज आपने कहा कि इनके मदरसों में तालिबान ने पढ़ा है, तो दाइश इनको तालिबान के इडियोलॉजिकल मेंटर्स के तौर पर रोजाना की बुनियाद पर बॉर्डर पर या दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़्ब हुआ, वैसे ही कोई ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दहशतगर्दी का इस किस्म का सामना है, उस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, आपका ध्यान बिट जाए तो आप फोकस वहां उस पर रख सकते हैं। आपने कहा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, गोलियां यहां खा रहे हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि पूरी कौम, पूरी इदारे, पूरी रियासत जिसे हम कहते हैं, उसका फोकस इस सिक्योरिटी थ्रेट पे, जो फ्रंटियर को सिर्फ थ्रेट नहीं है, वो सिर्फ बाजौड़ या वजीरिस्तान या इसका नहीं है, वो हमारी बका को खतरा है। वहां पे जो डेंजर है TTP से है, वहां पे पूरी एक जो है शोरश बलूचिस्तान में खड़ी हुई है, कई तंजीमें हैं, खबरें आ रही है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इनका गठजोड़ बलूचिस्तान और यहाँ पे जो है जो यलगारी जो है इनका है या नहीं है। हमें बताया गया था कि बॉर्डर पे बार बन रही है, उसकी हालत क्या है, कहां तक वो पहुंची है, किसी ने हमें बताया कि कितने पैसे उस पे लगे हैं, वो बार खड़ी है नहीं खड़ी, करामद है नहीं है, उसकी इफादियत क्या है। यहाँ पे आप अगर हुकूमतें जो हैं पता नहीं रोज नाटक कर रही हैं, कभी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इदारों को यहाँ डाल रहे हैं, कभी आप वहां डाल रहे हैं, कभी पता नहीं किन दौरों पे आप ले रहे हैं, और भाई ये जितने दिन आप बाकी हैं, पता नहीं आपने इलेक्शन कराने या नहीं कराने, इस पे तवज्जो दें, ठीक है, और चीजों को छोड़ें। ये जो नाटक आपने किए हुए हैं, कभी ये कौम को पता नहीं कौन कौन से इनकलाब, चलो एक तरीके से होता है कि यार अनफॉर्चुनेट रहा, इसमें टेक्निकल गलती हमारी गलती है, बट यार आतंकवादी आके तुम्हारे घर में किसी को उड़ा के भूंज के चले जा रहे हैं और तुम कहते हो कि यार हमारी तो पाक आर्मी नंबर वन है फलाना है, तो भाई यही औकात बन के रह गई है। और दूसरी तरफ इंडिया को देखो यार, तो चाइना वाइना अगर आँख मिलाते हैं तो फिर कुत्तों की तरफ मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का लेवल है और एक विकारिस्तान का लेवल है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आतंकवादियों के द्वारा छुप के बेशक इंडियन आर्मी को ये लोग घायल कर ले या परेशान कर ले, ठीक है, सीना के सामने आने के बाद तो फिर इनको रौंद के रख देती है इंडियन आर्मी, ठीक है, पीछे से तो कोई भी वार कर ले तो वो बड़ा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही सीन है, अभी आतंकवादियों ने खुद पीछे से ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकवादी चौड़े में आए और ब्लास्ट करके चले गए, बट यार जो आतंकवादी तुमने पाल रखा है, ठीक है, जरूरी नहीं है। इंडिया तो आप पता ही है कैसे है मोदी सरकार के उसमें, कि बेटा आतंकवादियों को देखते ही वहीं पर समाधि बना दी जाती है उनकी, ठीक है, तो इंडिया में तो आने से नहीं रहे। अब आतंकवादियों के भी हाथ में भाई खुजली हो रही है तो मिटाने के लिए कि अपने घर में ही ब्लास्ट कर दो बॉम्ब बना के, ठीक है भाई ब्लास्ट कर दिया और 200 पाकिस्तानी आम भूसे की तरह आम की तरह कट के गिर गए। यार ये भी मतलब एक तरीके का ये भी देश है जहाँ आतंकवादियों द्वारा मरते हैं लोग।
और भी खुद के आतंकवादी मार देते हैं। मतलब यार डोमेस्टिक वायलेंस हो, मतलब कोई दो ग्रुप आपस में लड़े मर जाए, एक दूसरे को मार दे, तो वो बात अलग है कि यार आपस में लड़ गए या फिर कोई विवाद था। यार यहाँ तो आतंकवादी घुस के मार रहे तुम्हारे देश में यार, ये मतलब क्या। टीटीपी और बलूचिस्तान अलग हो रहा है इनसे, पाकिस्तान से, ठीक है, ये है पाकिस्तान की इमेज। और भाई दूसरी तरफ बात कर लें इंडिया की, तो आतंकवादी को मतलब अब आतंकवादी सब भी क्या पता इंडिया में एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ मजा होगा इस वीडियो से। जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।